सरकार भले ही स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कई जगहों पर स्कूल तो मुहैया करवा दिए गए हैं, लेकिन उन स्कूलों में किसी भी अध्यापक के न होने से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं, जिसके चलते अब अभिभावकों को बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला कैथल के गाँव दुमाड़ा से सामने आया है, जहाँ स्कूल तो है लेकिन स्कूल में शिक्षा देने वाला अध्यापक ही नहीं है, जिसके चलते कैथल के गांव दुमाड़ा में आज ग्रामीणों ने दुमाड़ा के सरकारी मिडिल स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। स्कूल के गेट को ताला लगाकर ग्रामीणों द्वारा विरोध जताया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। गरीब वर्ग के लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। वहीं लंबे समय से कोरोना के चलते इन बच्चों के भविष्य पर भी अब खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते अभिभावकों को भी बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। वहीं इन अभिभावकों का क्या कुछ कहना है वो आप भी सुनिए। यहाँ जो मिडिल क्लास तक प्राइमरी तक तो टीचर हैं, जो मिडिल क्लास है उसमें सिर्फ एक हेडमास्टर है। पहले ही कोरोना काल करके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, पढ़ाई खराब हो रही है। अब स्कूल खुले हैं, कोई टीचर नहीं है। जो सरपंच साहब है, जो हेडमास्टर है, वो डीओ साहब के पास भी गए हैं और ऊपर तक भी गए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इनको जो ये बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब होने लग रहा है। हमको टीचर चाहिए मिडिल तक। यहाँ जी स्कूल का ताला लगा हुआ है जी, और अध्यापक नहीं है जी। बस हम यही कहना चाहते हैं जी कि हमारा गांव का स्कूल खुले और अध्यापक पूरे हो और बच्चे भी आए यहाँ पर पढ़े, और हमारे गांव का स्कूल 10 से 12 लग भी बने जी। समस्या जी, 2 साल से स्कूल बंद पड़ा है हमारा, एक ही हेडमास्टर आता है बस, और कोई सभी मास्टरों की बदली वगैरह कह रहे हैं कर दी। बच्चे 2 साल से ऐसे ही फिरते हैं डंडे बढ़ाते। हमें ताला लगाने का कोई शौक नहीं है। आप सभी को पता है कि 2 साल से शिक्षा नहीं चल रही है स्कूलों में कोरोना के कारण, और जो आज हमारे ऊपर प्रशासन ने एक नई समस्या जो डाल दी है वो मान्यवर जी टीचरों की है। हमारे स्कूल में 6ठी से लेकर 8ठवीं तक एक भी टीचर नहीं है, जो कि हमारे बच्चे जैसे ही स्कूल खुला तो यहाँ पर आकर देखा बच्चों ने कि यहाँ पर कोई टीचर ही नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो टीचरों की यहाँ पर पोस्टें हैं उनके मुताबिक वो टीचर पूरे दिए जाएं, ताकि जो SC BC का ये गांव है और इसमें ज़्यादातर SC BC के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में SC BC के लोग जो है वो बाहर नहीं भेज सकते। और हमारा सरकार से यही डिमांड है, यही मांग है कि हमारे को हमारे बच्चे पढ़ सकें, उसके लिए टीचरों का प्रबंध किया जाए। सर ये कि बच्चे तो आए तो टीचर नहीं है यहाँ पे, तो हमें टीचर चाहिए, तो बिना टीचर के मतलब बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो कितने टीचर हैं फिलहाल यहाँ? फिलहाल तो सर एक है, एक मतलब काम करेंगे, बड़े सर हैं जो में काम करेंगे, बच्चों को मतलब पढ़ाएंगे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और कोई स्टाफ नहीं है जी? नहीं, सब मतलब चेंज हो गए, बदली होगी उनकी। तस्वीरों में दिख रहे ये छोटे छोटे बच्चे रोज इस आस में आते हैं कि स्कूल जाकर उन्हें पढ़ाया जाएगा, लेकिन बिना किसी अध्यापक के बच्चे रोज जैसे आते हैं वैसे ही घर लौट आते हैं, क्योंकि स्कूल में केवल अध्यापकों के नाम पर एक हेडमास्टर है, और अब तबादला नीति के तहत स्कूल में 5 टीचर और एक मुख्य अध्यापक है। लेकिन स्कूल में अब 5 टीचरों के तबादले हो गए हैं और अब स्कूल में पढ़ाने वाला कोई भी अध्यापक नहीं है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं आ रहे हैं। हम वो 2 साल से यहाँ आ रहे हैं लेकिन टीचर नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ बैठकर वैसे ही चले जाते हैं यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर हेडमास्टर वही है, प्रिंसिपल। नहीं, यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं है। कितने तक का स्कूल है ये? यहाँ पर 8वीं तक का स्कूल है, पहली से 8वीं तक का। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमें पढ़ाई के लिए टीचर चाहिए। ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन कर सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस सरकारी स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और 2 साल से बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके। वहीं अब देखना ये होगा कि इन ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन और सरकार कब तक संज्ञान लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।